ये थ्री इसके पैटर्न है, हम इसका गत्ता काटेंगे, निशान लगाएंगे, ये पैटर्न के मुताबिक हमने ये निशान लगा लिया। ये देखें निशान लग गया। अब हम कैंची से इसको काटेंगे। ये देखें गत्ता कट गया, उसके मुताबिक ये पैटर्न, इस पैटर्न के मुताबिक हमने ये गत्ता काट लिया। ये देखें पूरा पूरा कटा। अब हम ये डी काटने का तरीका बताएंगे। ये मार्कर से अभी डी में निशान लगाएंगे। ये देखें ये भी निशान लग गए, वो लेफ्ट है ये राइट है, इस पे भी हमने ऐसे निशान लगा देने। ये देखिए निशान लग गए। अब हमने इसके पीछे वाली साइड पे निशान लगाने। ये देखें चार छह निशाने पीछे लगा दिए इसके, हम ये पीछे से गत्ता रखेंगे। ये काटने का तरीका है। ये देखें पीछे गत्ता रखा है इसके। अब हम गत्ते को दबाएंगे। गत्ते को दबाने से जो पीछे निशान लगाए ये गत्ते भी आ गए। ये देखें गत्ते भी थोड़े थोड़े निशान आ गए। हम इधर फिर थोड़ा थोड़ा मार्कर लगा लेंगे। ये देखें इसी शीशे के मुताबिक हमने इधर इसमें निशान लगाए। ये देखें अब इसको हम काटेंगे। ये देखें लेफ्ट वाली डी हमने काट ली है। अब ये इसके निशान इस गत्ते पे आ गए। ये जो निशान है हम इस पे अब ये देखें कलम से निशान लगाएंगे थोड़े से गहरे करके। ये निशान आ गए। अब निशान ये पीछे आ गए गत्ते के, इसके मुताबिक डी के मुताबिक ये पीछे निशान आ गए दबाने से। ये देखें आ गए। इस पे हम लगा देंगे मार्कर। ये देखें ये इसके मुताबिक हमने इधर निशान लिया है। अब इसके मुताबिक हम डी काटेंगे। इससे ये पता होगा डी जो है ना ऊपर नीचे नहीं होगी, आगे पीछे नहीं होगी, बराबर कटेगी। अभी देखिए हम इसके मुताबिक जो हमने लेफ्ट शीशा काटा था उसके मुताबिक अभी शीशा काटेंगे, निशान के मुताबिक जो निशान लगाए थे हमने।
ये देखें बिल्कुल बराबर कटा है, ये डी ए बिल्कुल बराबर कटी है। निशान लगाने का तरीका ये है, ऊपर रखे देखा मैंने, ये देखें ये बिल्कुल बराबर कटी है जी, आगे पीछे भी नहीं हुई, बिल्कुल लेवल में कटी है। ये इसका काटने का तरीका है, आसान तरीका, किस तरीके से काटें।